हेलो मैं मंडोवार। ये टोयोटा की करोला ओल्टिस गाड़ी है, बहुत ही रेयर दिखती है और अभी तो टोयोटा ने बंद ही कर दी है। तो आज इसका कौन से एक्सप्रेस हम जानने वाले हैं। ये 2019 वाला मॉडल है, लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे, इसकी चमक धमक की, तो ऐसे लगता है बिल्कुल ब्रांड न्यू, दो दिन पुरानी कार हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार को बहुत अच्छे से मेनटेन कराया अपूर्व सूद भाई ने, जो इस कार के ओनर है। सबसे पहले मोस्ट वेलकम भाई हमारे चैनल के ऊपर, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए भाई। मेरा नाम अपूर्व है और मैं फरीदाबाद का ही रहने वाला हूँ। और ये गाड़ी मैंने 2019 में ली थी, 2019 जून मई में। तब मेरे पास ऑप्शंस तो और भी थे, पर जो इसका कंफर्ट है, एक मेरे पास सिविक था और एक मेरे पास ऑक्टाविया था उस टाइम ऑप्शन में। ऑक्टाविया स्कोडा की हम लॉरा पहले यूज कर चुके थे, तो इसलिए स्कोडा की एक तो मेंटेनेंस ज्यादा है और उसके एसी में थोड़ी दिक्कत आ जाती है 2-3 साल बाद, जर्मन गाड़ी है तो स्कोडा नहीं जाना था। फिर मैं सिविक, मेरे को सिविक पसंद थी, सिविक की तो लुक ही बहुत अच्छी है, लेनी है तो सिविक ही लेनी है। मैंने घर पे ही बोल दिया था, लॉन्च होने से 10 दिन पहले बुकिंग अमाउंट भी दे दिया था उसको कि हमें यही गाड़ी लेनी है। पर जब सिविक आई, उसकी मैंने टेस्ट ड्राइव ली, अंदर से लुक्स उसकी फैंटास्टिक, मतलब इसके ये है सोबर गाड़ी, शॉफर ड्रिवन गाड़ी है ये। जो MD है, SMNC वाले लेवल वाले लोग हैं वो लेते हैं इसको सिर्फ। आप गुड़गांव जाओगे आपको वहाँ बहुत सारी दिखेंगी, मतलब जो ड्राइवर चलाते हैं। सिविक का मैंने टेस्ट ड्राइव ली, सिविक की मैंने 4 बार टेस्ट ड्राइव ली थी। सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी की मैंने 1 बार टेस्ट ड्राइव ली थी सिर्फ। क्यों सिविक की 4 बार क्यों लेनी पड़ी? सिविक की 4 बार इसलिए ली थी क्योंकि भागने में ये उससे तेज है। एक तो मैं थोड़ा भगाने का शौकीन हूँ गाड़ी, मतलब इंस्टेंट पिकअप चाहिए होती है। जो आपकी मथुरा वाली रोड है, दिल्ली मथुरा रोड है, जो इस पे ये गाड़ी 5 बंदों के साथ 180 लग गई थी आराम से टेस्ट ड्राइव पे। उसके बाद जो आपकी सिविक है उसमें थोड़ी जान लगती थी 150 के बाद, 140 के बाद जाने में। और घर वालों को सबसे बड़ा कंसर्न था वो गाड़ी नीची बहुत है। फैमिली में पहले भी एक सिविक थी तो उसमें बैठना उतरना घर वालों के लिए बहुत मुश्किल होता था। मेरे पास होंडा सिटी थी इससे पहले और एक लॉरा थी, तो होंडा सिटी लॉरा तो पहले बेच के हमने XUV ले ली थी। उसके बाद अब एक सेडान ही चाहिए थी घर में, क्योंकि मेरे को सेडान का ही शौक है, मतलब सेडान में कम्फर्ट आता है मुझे। अच्छा, कि गाड़ी कम्फर्टेबल है, तो इस वजह से मैंने सेडान पे स्विच किया था। तो करोला ओल्टिस की बात करते हैं, तो भाई जैसे इसको कोई बोलता है ना तो वही याद आता है कि पुरानी वाली होगी, पहले वाला आता था, क्योंकि वही मॉडल दिमाग में आता है। क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस 24,70,000 के अराउंड था उस टाइम, ऑन रोड जो पड़ा था हमें यहाँ पे। उसके बाद इसमें एक्सेसरीज भी लगवाई थी मैंने कंपनी से ही, और नंबर तो है ही बाकी इसका। कितने का पड़ा था? 1,00,000 रुपए के आसपास का नंबर। 1,00,000 रुपए का नंबर है ये, क्योंकि ये उस टाइम 2019 में ये वाला सिस्टम नहीं था आपका कि आप ऑनलाइन आपको पर्ची कटवानी पड़ती थी, तभी जो दलाल होते हैं उनके थ्रू जाना पड़ता था हमें। तो इस नंबर की बुकिंग हो रखी थी पहले से। अच्छा, तो बिडिंग अमाउंट देना पड़ा था हमें, उसने बोला था इतना दे दोगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो नंबर वो ही ले जाएगा जिसने पहले बुक करा रखा। तो 1,00,000 आपको क्या खास लगा इस नंबर में? ऐसा ये हमारी XUV पे भी यही नंबर है। अच्छा, पहले हमने 215 में यही नंबर लिया, इस पे भी यही, इसलिए जो जायज है उस पे भी यही। तो 24,00,000 रुपए की तो ये पड़ गई आपको, ऊपर से 1,00,000 रुपए। क्या प्रोफेशन है भाई आपका? मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, MBA कर रहा हूँ। पापा MNC एम्प्लॉय रिटायर्ड है, अच्छी पोस्ट पे थे MNC में। तो ये करोला ओल्टिस पेट्रोल वाली है जो 149 बेस पे निकालती है। 145। तो ये आप लुक देखोगे ना इसकी, आपने मतलब बहुत ही रेयर देखी होगी करोला ओल्टिस, क्योंकि इसका रीजन क्या है भाई, मतलब बिकती नहीं है। मेरे पापा के ऑफिस में जैसे MNCs में आपको सिर्फ जो पुराना करोला आती थी, उससे भी पहले आती थी जो 2004-05 मॉडल, वो चलता था। तो घर वालों को शुरू से वो गाड़ी पसंद थी, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं नहीं ले रहा था मैं खुद, क्योंकि एज अ यंगस्टर कोई इसको नहीं लेता। सही बात है, सब सिविक पे जाते हैं, अरे भाई इतना बढ़िया इंटीरियर है, इसके अंदर ये है वो है, सिस्टम बढ़िया, गियर नॉब इतनी अच्छी है इसकी। पर गाड़ी चला के देखी मैंने, बोलना नहीं चाहिए पर टीम का डब्बा बोलते हैं ना, इसको चलाने के बाद उसमें मेरे को वो फील आई। क्यों? गाड़ी हल्की है वो। अच्छा, ये तो टोयोटा है ही है, इसका तो सबको पता है टोयोटा क्यों। मेरे को भी ये नहीं समझ आती थी कि ये 25,00,000 के होने के बाद भी इतनी गाड़ी बिकती क्यों है। वही 25,00,000, मतलब ऐसे लग रहा है कि यार ज्यादा है कुछ। हाँ, वो लगता है, वो लगता बंदे को, उस ऊपर से एक्सेसरीज वगैरह लगवाई थी तो ये 25 की ऑन रोड पड़ी थी। मेन इंटीरियर दिखाते हैं इसका। अगर गाड़ी चलती नहीं है, ये 13,000 चली है अभी तक, पेट्रोल में 13,000 चली है। हाँ जी, फिर भी रखनी गाड़ी? हाँ, ऐसे नई नई गाड़ियां स्विच करते रहने? नहीं नहीं, रखते रहने। क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे? शौक है। शौक है, चलो बढ़िया भाई। ऐसे इसका ऐसा इंटीरियर नजर आता है, ऑटोमेटिक है ये देखिए, ये सब तो बड़ा प्रीमियम इसका दिखता है, पर 25,00,000 रुपए की मेन है ये इंटीरियर। हम जैसे लोगों को लगेगा कि यार कितना सोबर है। हाँ, सिंपल ही नहीं यार, सिंपल एकदम। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं है, तो इसमें बंदा कहता है कि यार इतना सोबर, बट जिसको लग्जरी और ऐसे मतलब सोफिस्टिकेट पसंद हो ना, वो यही गाड़ी ले। सनरूफ भी नहीं है भाई, सनरूफ भी नहीं है इसमें। हाँ, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका, ये देखो ये पूरा, यहाँ तक तो चलो ये भी ठीक है अपना 6-7 इंच की यूनिट, इससे नीचे काफी बेसिक है कार एकदम ही।
नहीं सिविक की बात करते थे भाई, बता रहे हैं तो हैंड ब्रेक भी नहीं है। मेरे को बहुत कॉम्प्रोमाइज लग रहा था कि नहीं, मैंने सोचा था लूंगा तो सिर्फ सिविक ही लूंगा, नहीं तो दूसरी गाड़ी नहीं लूंगा। चलो ये तो बात हो गई कार बाइंग डिसीजन आपने, फिर ऑल्टिस ले लिया। अभी जब ले लिया है तो कार कैसी लग रही है आपको दो साल में? बहुत अच्छी, मतलब क्या पॉजिटिव सेंस के जो लोगों को पता ही नहीं है कि ऑल्टिस नाम की गाड़ी में ये सब चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं। एमएनसी वगैरह उन सेक्टर में इसलिए बिकती है क्योंकि इसमें ना अंदर कोई आवाज है और कंफर्ट इस सेडान का, या तो ऑक्टेविया मैच कर सकती है, बस वही एक गाड़ी है। अच्छा, बहुत प्रीमियम फील देती है ये गाड़ी। अगर आप अभी बैठ के चला के देखोगे, पीछे बैठना, इसका पीछे लेग रूम देखो और ये सीट पीछे कर रखी है मैंने। ये आप अपने ड्राइवर के अकॉर्डिंग आपके एडजस्ट है ना, काफी पीछे भी है इसमें। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं जी, ये सीट्स रियलिटी में बहुत कंफर्टेबल। और जो सिविक में जो इशू आ रहा था, सिविक में ये था कि उसके सेंटर में हम्प था बहुत बड़ा, इसमें आप देखोगे हम्प है ही नहीं, हल्का सा है पर बहुत हल्का है। उसमें जो हम्प आता था उसमें हम्प यहाँ तक आ रहा था आपका, मतलब यही था कि बीच में बच्चा बैठा हो तो कंफर्टेबल है। मतलब वो ये वो प्रॉपर फोर सीटर थी केवल, है ना? वैसे हमारी फैमिली फोर की है बट फिर भी उसमें उतरना, उतरने में जान लग जाती थी उसमें से, क्योंकि वो नीची गाड़ी। वैसे देखो 25 लाख के हिसाब से तो कोई फीचर तो इसमें एडवांस लग नहीं रहा, क्योंकि देखो ये भी अपने को मैनुअली ही करना पड़ता है। फीचर नहीं मिलेगा आपको इस गाड़ी में, जैसे फॉर्च्यूनर में कोई फीचर नहीं है, वही टोयोटा का वही सीन है। अच्छा देखो, जैसे ये है, जैसे फीचर नहीं है तो क्या मतलब हम ड्राइविंग अच्छी समझे इस कार की? ड्राइविंग कंफर्टेबल, स्मूथनेस, तो टक्कर नहीं है इसका कोई। अच्छा एक मिनट भाई, चाबी दिखाना, चाबी कैसी आती है इसकी? चाबी बहुत बेसिक है, चाबी भी रियलिटी बहुत ज्यादा बेसिक है। इसका मीटर देखना चाहता हूँ भाई मैं, अलॉय व्हील बहुत मस्त लग रहे हैं वैसे इस कार के। मैट भी नहीं डलवा रखे के ड्राइवर साइड? ड्राइवर साइड नहीं डाला था मैंने, वो कभी कभी नीचे अड़ता था। अच्छा तो इसमें स्पोर्ट मोड भी है? हाँ जी, इसमें स्पोर्ट मोड है। ऐसा मीटर है भाई इसका? इसका मीटर भी अच्छा आता है, जब आप खोलो तो टोयोटा लिख के क्रोला ऑल्टिस लिख के प्रॉपर आता है। अच्छा मेन बात मेरे को ये बताओ, अच्छा इसका ये तो इनोवा जैसा लग रहा है पूरा का पूरा जो इसका एमआईडी है, तो ये भी ऐसा मस्त से एकदम डिजिटल वाली नहीं है? हाँ। तो देखो आप सही कहते, कॉम्प्रोमाइज तो है गाड़ी के साथ, ये भी काफी छोटी है, बहुत बेसिक है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कुछ नहीं है, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले भी नहीं है। तो इसमें वो है स्क्रीन मिररिंग है, वो मैंने कभी करके नहीं देखी, वो एंड्रॉइड फोन पे होती है कोई, वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो इसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली पीछे भी कर सकते हैं। बाकी मेन बात माइलेज क्या दे देती है? माइलेज ये देती है अगर सिटी में चलाऊं इसको को तो 9-10 के आसपास, पर चलाने में इसको भगाने में मजा आता है। तो ये मैंने 6 तक भी गिराई हुई है इसकी एवरेज, 6 तक भी गिराई हुई है, गिर जाती है 6 तक। अच्छा अच्छा, गुड बाय लिख के आता है इसमें तो जब हम ऑफ करते हैं, ये सही है। बाकी थोड़ी लुक की मैं बात करना चाहूंगा भाई, मतलब जो ये लाइट्स है ना इसकी, आप देखोगे लाइट्स प्रोजेक्टर से तो ये अंधा कर देती होंगी सामने वाले को। तो ओवरऑल कार ठीक है क्या? आपको रिग्रेट फील होता है दो साल में? मेरे को बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं होता, बस एक होता है सनरूफ का, जब कहीं घूमने जाओ बस उसके लिए जायज लेनी पड़ेगी मेरे को फिर उसमें सनरूफ आई। और कोई नेगेटिव जिसको देखते हुए लोग इसको नहीं लेते? एक तो फीचर्स का, इसका नेगेटिव जो है फीचर्स का तो देखो नॉर्मली है ही, उसके अलावा कुछ एवरेज हो गया। अभी जैसा देखो ये तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है ये सेगमेंट, जो ऑल्टिस भी चली गई, सिविक भी चली गई, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आज के टाइम के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे 21 में अभी हम जी रहे हैं, ऑप्शंस ही बहुत कम बचे हैं, तो आज के टाइम में आपके पास होंगे 25-26 लाख रुपए पर आपको एक सेडान ही चाहिए, तो क्या ऑप्शन रहेगा? सेडान ही चाहिए तो मैं तो ऑक्टेविया की तरफ जाऊंगा, नहीं तो सुपर्ब की तरफ। उनके लुक्स भी बहुत बेहतरीन है, जब पेट्रोल में आते कैमरी भी पसंद है, और फिर कैमरी में वही चीज आ जाती है कि अंदर इतने फीचर नहीं है उसकी, और प्रीमियम लुक्स है अंदर से, मतलब टोयोटा ना फीचर्स का उनको फीचर्स नहीं देता। 180-190 में मैंने चलाया, 5 लोग बैठे थे अंदर बैठे, ऐसा लगता है कि 100-110 पे चल रही है गाड़ी, मतलब वही ड्राइवेबिलिटी है बस, जो ड्राइविंग है वो अच्छी है, चाहे जितने मर्जी पे कट मार लो, आप 150-100 पे कट मारते ले जाओ इस गाड़ी को, फील नहीं होने देगी आपको कि आपने बहुत तेज स्पीड पे कट मारे। और ये योकोहामा के टायर आपको कहाँ से, कंपनी से मिले थे? ये कंपनी से ही मिले थे, और ये मेरे को अच्छी बात है ये कंपनी से ये वाले टायर मिले, क्योंकि ये शायद टायर 11-11.5 हज़ार का एक टायर है, उस टाइम किया नहीं थी मार्केट में। वरना आप क्या लेते क्या? किया तो ना लेता, सच बताऊं किया तो ना लेता, क्योंकि मेरे को टू बी ऑनेस्ट किया में जैसे आपने किया है कि बेस लेके उसको इतना अच्छा बना दिया तो ठीक है, जो उसका GTX मॉडल है मेरे को वर्थ नहीं लगता वो। 19-20 लाख रुपए खर्च दो GTX उससे तो दूसरा ऊपर सेगमेंट में अच्छी अच्छी कार रहेगी सर, फाइनली अब आपने भी तो बनाई थी, वही है ना 11 लाख वाला भी सेम चला रहा है सेम। हाँ, अब जैसे है। ये भाई ने 18.5 वाली ली है ना, तो अंदर हम बैठते थे तो कोई फील नहीं आता कि हमने कोई टॉप मॉडल चला रहे हैं, कलर तो बहुत ही गलत मिल गया सीरियसली। वैसे भाई इस कार की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है? मेंटेनेंस इसकी अभी तक दो सर्विस, एक सर्विस हो चुकी है इसकी, अभी एक और ड्यू है इसकी भी होगी नेक्स्ट मंथ, इसमें लगे थे 5,5200 रुपए के अराउंड बस बस।
मतलब टोयोटा की वही सर्विस जो है बताते हैं अच्छी है, तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और इसमें अलाइनमेंट इंक्लूडिंग है, अलाइनमेंट मिला के 5700 तोड़ पे ये लगेगा कि हाँ रॉयल रॉयल्टी की उधर रॉयल चीज लुक होती है कि हाँ हमें लग रहा है कि कोई बैठे हैं किसी गाड़ी में। एकदम यूनिक है, कोई एक आध दिख जाती है रोड पे। हाँ यहाँ फरीदाबाद दिख जाती है। हाँ हाँ फरीदाबाद में तो फिर भी अब तो खैर इसका वो वाला मॉडल सबसे ज्यादा बिकता है जो डीजल वाला आता है, क्योंकि वो ऑन रोड पड़ता था 20-21 लाख में ऑन रोड आ जाता था। तो पेट्रोल में महंगी है उल्टी। हाँ ये इसका पेट्रोल का टॉप मॉडल VL वाला महंगा था डीजल से। ये टॉप वेरिएंट है। हाँ जी जब भी एंड्रॉइड पर कार प्ले नहीं है, ये टॉप वेरिएंट है। स्टार्ट तो इसके 18 लाख से शुरू हो गए थे वेरिएंट तो यही था भाई का पूरा एक्सपीरियंस करोला ऑल्टिस के साथ। बाकी भाई सेटिस्फाइड इस कार के साथ। सिविक की भाई बिल्ड क्वालिटी हल्की बताई, लेकिन भाई देखो देखने में तो सिविक मस्त लगती है। वो तो मैं कह रहा हूँ देखने में तो मस्त लगती है, वो यंगस्टर्स की गाड़ी लगती है। ये बूढ़ो बड़ो की सी गाड़ी, बूढ़ो बड़ो की सी गाड़ी। अपना ड्राइवर चला रहा है, पीछे बैठ जाओ और रिलायबल रिलायबल चीज चाहिए तो उसके लिए। चलो पूर्व भाई बहुत बहुत धन्यवाद पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये थी भाई करोला ऑल्टिस VL वेरिएंट टॉप वेरिएंट 25 लाख रुपए की ये सेडान है। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।